द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। वृद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान वडभागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देख कर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं की मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जीने गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीत कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य ज्योतियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा उन्होंने दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत सी मंडप चंदोबे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है
और फरक के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी के अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अधर्य देकर उन्हें घर में लाए और शोर शोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो है। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रही हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ क्री देवता विघ्न मना रहे हैं।
उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुखाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं खाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताती देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभावों को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुःसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसकी किस तरह से उखाड़ लूं। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू डरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े काल है, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वे महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हुक्कार कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वे कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौसल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर थोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी,
तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौसल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करती हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो ये भी दें, श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहु हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शुभ कैसा। तेरे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहुद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर खोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौसल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौसल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौसल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वो उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौसल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल के उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौसल्या को दे